रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया में मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। हादसा मुसाफिर वैन की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे में तीन अफराद जांबहक हो गए हैं। मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेस्क्यू की इमदादी टीमों को मौके पर तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया में मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। हादसा मुसाफिर वैन की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में तीन अफराद जांबहक हो गए हैं। मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। रेस्क्यू की इमदादी टीमों को मौके पर तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया में मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। हादसा मुसाफिर वैन की ब्रेक फेल होने से पेश आया। तीन अफराद इस हादसे में जांबहक हो गए हैं। मकामी अफराद की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जबकि रेस्क्यू की इमदादी टीमों को मौके पर तलब कर लिया गया है। चौधरी सज्जाद नुमाइंदा PNN हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया में मुसाफर वैन जो है वो खाई में गिर गई है। पुलिस जराये का ये कहना है कि हादसा मुसाफर वैन की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। पुलिस जराये का मजीद ये कहना है कि मुसाफर वैन रावलपिंडी से कोटली सतिया जा रही थी। हादसे में तीन अफराद मौके पर जहाँ बाग हो चुके हैं। इस वक्त मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और रस्की की टीमें जो है वो भी इस वक्त मौके पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। जैसा कि फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुतलका पुलिस जो है वो भी इस वक्त वहां पहुंच चुकी है और रेस्क्यू की टीमें जो है वो भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं और वैन को जो मजीद जो उसमें देखा जा रहा है कि कितने लोग और जो है वो जख्मी हैं, उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद।